नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएक्स नाइन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। हिंदुस्तान चली आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर इस वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि सीमा हैदर जो अपने बच्चों को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान को छोड़कर भारत चली आई थी सचिन के साथ रहने के लिए। दर्शकों, आपको बता दें कि इन दोनों की जो सचिन और सीमा की जो मुलाकात थी वो पहले पबजी पर हुई थी। पबजी दोनों गेम खेलते थे, उसके बाद इन दोनों को प्रेम हो गया, नंबर एक्सचेंज किए और इस कदर चली आई कि अब वो भारत पे ही है। आपको बता दें कि पहले यह नेपाल गई और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। इन सब के बीच एक वजह यह भी निकलकर सामने आई थी कि सीमा हैदर जिस तरह से भारत में आई हैं, उनके पास ना यहाँ का वीज़ा था और ना ही पासपोर्ट था। वो फर्जी दस्तावेज लेकर भारत में दाखिल हुई थी, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की ATS ने उन पर जमकर जाँच की थी और कई बार उनके सबूत पकड़ते हुए नजर आए थे। देखा यह गया था कि उनके पासपोर्ट से लेकर तमाम आधार कार्ड जैसे दस्तावेज झूठे साबित हुए थे। उनके जो एक आधार कार्ड पकड़ा गया था वो उनका जो है नकली आधार कार्ड बताया गया था, जो हिंदुस्तान में बनाया गया था। उनके पति जो इस वक्त सचिन है वह ऐसा बताती हैं कि मेरे पति सचिन है, उन सचिन ने ही वो आधार कार्ड बनवाया था। इन सब के बीच अब गुलाम हैदर के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। गुलाम हैदर जो कभी सीमा के पति हुआ करते थे और सीमा के साथ पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान में तो यूं कहें कि वो अपने काम के लिए दुबई में रहते थे, ऐसा सीमा हैदर ने कई बार बताया। सीमा हैदर ने साफ तौर पर कहा था कि मेरे पति जितना प्यार इस वक्त जता रहे हैं इतना प्यार वो करते नहीं हैं, वो दुबई में रहते थे और वहाँ से सिर्फ पैसे भेजते थे, मैं यहाँ कैसी हूँ कभी हाल खबर लेने नहीं आते थे, वहीं मैं उनके साथ खुश भी नहीं थी और मैं अपने बच्चों से तब प्यार करती थी इस कदर कि मैं उनको छोड़ नहीं सकती, इस वजह से मैं पाकिस्तान में मजबूरी में रह रही थी। लेकिन जब से ही मैं सचिन से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अगले जीवन साथी हैं और मैं इनके साथ पूरा जीवन गुजार सकती हूँ, जिसके बाद उन्होंने तय किया और उसके बाद वो भारत चली आई। लेकिन गुलाम हैदर जो कहते हैं वो कुछ और ही नज़र आता है। कई बार गुलाम हैदर ने बात कही है कि सीमा पाकिस्तान में जो है आम महिला नहीं है, उनके जो भाई हैं वो आर्मी में है, उनके चाचा हैं वो भी आर्मी में हैं, तो इससे शक ये बढ़ने लगे थे कि सीमा हैदर जासूस है। लेकिन इन दिनों इन सब के बीच में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो सीमा हैदर की जासूसी वाले आरोप कम होते नज़र आ रहे हैं और ATS की जाँच में भी कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ रहा। लेकिन गुलाम हैदर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिस पर वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सीमा की याद आ रही है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। लेकिन इधर सीमा हैदर है जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह पाकिस्तान नहीं जाएंगी और ना ही गुलाम हैदर से मिलना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि सीमा हैदर जो है अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है और उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनको यहाँ का वीज़ा दे दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब तक वो यहाँ पर जो है नहीं रह पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको तमाम दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। अब दर्शकों, देखना ये होगा क्या इनको भारत की नागरिकता मिलती है, इनको यहाँ का वीज़ा मिलता है या नहीं, या फिर गुलाम हैदर जिस तरह से बार बार इनको बुलाने की गुहार लगा रहे हैं तो क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाएंगी, यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार सीमा भारत में रहेंगी या पाकिस्तान चली जाएंगी, क्योंकि उनके पति बार बार उनको बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 स्पोर्ट्स।